हमें लगता है ऐसे किया है, इन दोनों को गुना के 11 छक में 12 जोड़ दीजिए 78 होगा, 15 8 120 में 32 जोड़ दीजिए, सही है, 70 7 119 में 42 जोड़ दीजिए, 119 में 42 जोड़ दीजिएगा, अर्थात 100 मिल रहा है ना। नेक्स्ट, 14 और 8 को लिखा है 91, 18 और 4 को लिखा है 51, 21 और है 9, जल्दी कीजिए, 13 7 91, 17 तिया 20 तिया यही ना, यही आप बोल रहे हैं, तो देखिए तो 60 है आप में। अच्छा है, अच्छा 13 से कम बार 63, यानी इसको 13 लिखा, इसको 7, इसको 17, इसको 3, इसको 20, इसको 8, अब 8 कहा है ना, और कुछ सोचना है जल्दी कीजिए। ऊपर तो दोनों में आप लगा लिए, लेकिन आगे हम लोग का लगने वाला नहीं है, अब क्या करें। 14 8 पर योता से 112 में से घट गया हम लोगों को 21, और 18 74 में भी 21 से घटा नहीं, कहना 189 में भी 21 घटा के देखिए, 8 6 1 168 है आपका ही नियम चला, 14 × 8 14 8 बारी होता है 112 में कितना घटाइए 21, आगे 18 6 72 में भी 21, तो 91 89 में भी 21, यानी आंसर 168 चलेगा। 32 + 21 बराबर है 28 09, 27 + 15 बराबर है 17 64, आगे 31 + 13 बराबर भाग क्या हुआ, अच्छा सबको जोड़ दिया, ध्यान दीजिए हो जाएगा 53 का स्क्वायर, चलिए बिल्कुल सही है, 42 का स्क्वायर सही है, 44 का स्क्वायर 6 6 36 19 36 ना, चलिए आसानी से पकड़ा गया, आगे 89 34 गुने विद्यार्थी जी 15 बराबर 495, 43 गुने 12 बराबर 504, 98 गुने 17 बराबर, हमें लगता है 15 को 33 बार गुना किया है, 15 × 45 के 5 बाकी 4, 45 × 4 49, 12 को 42 बार, 12 × 24 के 4 बाकी 2, 12 × 44 2 50, तो 17 को कितना बार होना चाहिए, जरूरी नहीं आंसर आएगा तब ना, 17 7 9 9 = 11, 17 9 53 = 153, 11 164 यानी 1649 है ऑप्शन में, चलिए मामला फिट है, आया समझ में, 26 52 8 48
192 16 आगे 100 कितना है तो ए 175 14 है नहीं ए 175 और 14 आगे आधा करके गुना किया नहीं इसका मतलब है 13 गुने 4 13 चौ आगे 24 गुने 8 तो 50 रहेगा था ना 25 गुने 7 अर्थात आंसर कितना होगा 50 बनाने जाता यार 8 है और क्या है 9 इक्वल टू 217 6 थीटा 10 इक्वल टू 196 आगे 11 थीटा 7 इक्वल सही है सत्रह का स्क्वायर 289 में 8 9 72 16 का स्क्वायर 256 माइनस 10 6 7 11 7 18 का स्क्वायर 300 माइनस 77 ना चलिए 14 में से 7 गया 7 31 में से 7 गया 24 अर्थात 247 पढ़े आगे 60 हमको लगता 12 96 में से 36 जरूरी नहीं है ऐसा सोच रहे 13 × 15 195 में से 121 आइए क्या 74 यानी इन दोनों को गुना करके इसका स्क्वायर घटा रहे यही ना 18 का 18 का 8 बाकी 36 है 137 में से 225 8 में से 5 गया 3 7 में से 2 गया 5 3 में से 2 गया 1 यानी 153 है कहीं क्या ठीक है भाई 3 का स्क्वायर 9 फिर 90 प्लस 1 प्लस 7 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 16 हो रहा है 5 का स्क्वायर 25 पर 10 प्लस 3 प्लस 9 13 में कम कर लिया लीजिए 12 98 में अच्छा 17 × 17 = 102 में 2 घटा दिया चल रहा नहीं 24 से कम 23 × 5 115 में 2 घटा दीजिए 100 है ऑप्शन में चल 206 लाना है ने क्या 18 × 12 करिए 12 96 = 6 बाकी 9 12 9 में से 10 घटा दिया आगे 19 × 38 के 8 बाकी 3 38 और 3 41 में 10 घटा दिया नहीं तो चलिए जितना भी है गुना करके 10 घटा लीजिएगा चलिए आगे अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें